नमस्कार, हम जानेंगे इस बार सरसों में कितनी तेजी आएगी और किस प्रकार रहेगा इसका भाव। जानेंगे दीपावली के बाद क्या फिर सरसों में देखने को मिलेगा उछाल। इस सप्ताह तेजी की ओर रुक कर रही है सरसों। दीपावली के पर्व की छुट्टियां के चलते देश भर की मंडियां शुक्रवार तक अवकाश ही पर रही और गुरुवार को दिन दीपावली के दिन भरतपुर मंडी में शुभ मुहूर्त के अवसर पर निकलने वाले 57 रुपये तेजी के साथ 8022 रुपये पर खुले। व्यापारियों ने यहाँ जताई आशा जताई है कि यहाँ से सरसों का कारोबारी धीमी गति से लेकिन तेजी गति की तरफ आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले सप्ताह में सरसों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार गिरावट भी होने से अब तक लगभग 200 रुपये तक भाव नीचे आ चुके हैं। लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में सरसों का भाव फिर ऊंचाई की तरफ चलेगा। हालांकि तेजी या बड़े उछाल की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन भरतपुर का भाव 8022 से आगे बढ़कर 8110 रुपये और उसके बाद 8200 की तरफ बढ़ने की प्रबल संभावना है। सरकार के द्वारा तेल व तिलन को बहाने सबसे ज़्यादा प्रहार सरसों पर किया। स्टॉक लिमिटेड लगाने और उसके पहले सरसों का NDX से बाहर कर देने ऐसे अत्यंत भारी हमलों से सरसों में तेजी रोकने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन सरसों की देश भर में उपलब्धता और मामूली रहने के कारण बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सरसों का व्यापारियों और किसानों के उत्साह का कोई कमी नहीं है। अभी भी ऐसे में किसानों की संख्या बहुत है और जो कि सरसों का भाव 9000 से ऊपर देखना चाहते हैं। दीपावली का पर्व आ चुका है और सरकार का उद्देश्य भी बड़े तैयारों पर सरसों में तेल के दाम बहुत अधिक बढ़ने से रोकने का ही था। आपको याद ही होगा केंद्रीय खाद्य सचिव के बयान में कह चुका है कि खाद्य तेलों में फरवरी 2022 के बाद अपने आप पर गिरावट आ जाएगी। इसका अर्थ यही है कि सरकार भी जानती है कि नई फसल आने से पहले सरसों का तेल में सरसों का दाना के दाम कम करना ही आसान नहीं है। इन परिस्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरसों के दाम अच्छे स्तर पर जा सकेंगे। तो यही थी आज बड़ी वह खास जानकारी। अगर आप ऐसे ही सरसों या किसानों से जुड़ी हुई खेती से जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए ताकि वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।